सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय साइंस ओपीडिया की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पार्ट टू की। जो पार्ट वन में इसके टॉपिक्स रह गए थे वो हम आज डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन क्या चीज़ है। उसके बाद हम बात करेंगे एवोपरेशन क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन क्या होता है और ये कहाँ इस्तेमाल होता है। और लास्ट में हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स क्या होता है और ये कैसे वैरी करता है। ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भूल रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन से आपके फ़ोन की घंटी बजती रहे। साथ ही साथ अगर आपको फेसबुक पर वीडियो देखना पसंद है तो आप वहाँ पर भी हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब आज की क्लास की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आज की क्लास शुरू करें हम थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सेपरेशन क्या होता है, इसकी नीड क्या है और मेथड्स ऑफ सेपरेशन क्या क्या होते हैं, हमने चार वहाँ डिस्कस किए हैं। हमने वहाँ पढ़ लिया है हैंड पिकिंग क्या होता है, थ्रेशिंग क्या होता है, विनोइंग क्या होता है और सीविंग क्या होता है। जिसने क्लास मिस की है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लेना। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन क्या चीज़ है। अब हमने जो मेथड्स पढ़े, पहले हमने पढ़ा थ्रेशिंग क्या होता है, हमने पढ़ा हैंड पिकिंग क्या होता है, विनोइंग क्या होता है, सीविंग क्या होता है, ये हमने पढ़े। अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर वो मेथड्स काम में नहीं आते हैं। जैसे हमारे जो राइस है या जो पल्सेस है उसमें डर्ट है या सॉइल के पार्टिकल हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को वो मेथड्स कामयाब नहीं हैं। या मड्डी वाटर है तो वहाँ पर वो मेथड कामयाब नहीं है। या हमारे पास इमिसिबल लिक्विड्स हैं जो मिक्स नहीं होते हैं, जैसे तेल और पानी का मिक्सचर है, तो वहाँ पर वो मेथड कामयाब नहीं है। हम थ्रेशिंग से अलग नहीं कर सकते, हैंड पिकिंग से अलग नहीं कर सकते हैं, विनोइंग से भी अलग नहीं कर सकते और सीविंग से भी ऐसी चीज़ें अलग नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर हमें ये चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर मैंने ये तीनों चीज़ें एक साथ क्यों लिखी हैं, वो इसलिए लिखी हैं कि इनको ज़्यादातर तीनों को इकट्ठा इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी की जाती है, इसीलिए मैंने इनको साथ में लिखा है। अब सबसे पहले सेडिमेंटेशन क्या होता है। सेडिमेंटेशन क्या होता है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स, तो मैंने वहाँ बताया था सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल्स के बारे में। जिसने वो क्लास मिस कर दी थी वहाँ जाकर देख लेना, हमने सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स के चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल डिफर करते हैं। तो जो इनसॉल्युबल मटेरियल्स थे वो नीचे सेटल हो गए थे, तो वो सेटलिंग जो है, नीचे सेटल होना इनसॉल्युबल सब्सटेंस का, नीचे सेटल होना इनसॉल्युबल सॉलिड का, नीचे सेटल होना या इनसॉल्युबल लिक्विड का और इनसॉल्युबल लिक्विड्स का अलग होना एक दूसरे से, इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। मतलब जो हैवियर है वो नीचे सेटल होता है, फिर वो सॉलिड है या लिक्विड है वो अलग बात है। यानी जो हैवियर कंपोनेंट है मिक्सचर का, उसका नीचे सेटल हो जाना, इसी को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। यहाँ मैंने डिफाइन लिखी हुई है, इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे लिखी हुई, इट इज सेटलिंग डाउन ऑफ हैवी पार्टिकल्स और कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर एट बॉटम ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में हमने ये रखा हुआ है, जैसे हम एक गिलास में, हमारे पास एक टम्बलर है, हम उसमें सैंड और वाटर का मिक्सचर घोल देते हैं, थोड़ी देर अगर हम उसको सेटल करने के लिए छोड़ेंगे तो क्या होगा, सैंड जो है नीचे सेटल हो जाएगी, रेत नीचे सेटल हो जाएगी, इसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। अगर हम तेल और पानी को एक गिलास में मिक्स करें तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद पानी नीचे सेटल होगा, तेल की परत ऊपर बनेगी, तो जो नीचे पानी की परत बनी है उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब सेडिमेंटेशन में दो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ नीचे सेटल होती है उसको हम कहते हैं सेडिमेंट, और जो चीज़ ऊपर रहती है, जो लेयर ऊपर होती है उसको हम कहते हैं सुपरनेटेंट। जैसे सैंड जो है सेडिमेंट की तरह नीचे सेटल होती है और वाटर की लेयर ऊपर है, तो वहाँ पर वो सुपरनेटेंट है। हम अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें, जैसे ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर लें, तो यहाँ पर वाटर नीचे सेटल होगा वो सेडिमेंट हो जाएगा और ऑयल ऊपर रहेगा तो वो सुपरनेटेंट हो जाएगा। पहले केस में क्या था, सैंड वाले केस में सैंड सेडिमेंट था और वाटर एज सुपरनेटेंट काम कर रहा था, लेकिन अब यहाँ वाटर भारी है तो वाटर नीचे सेटल करेगा, वो सेडिमेंट की तरह रहेगा, और ऑयल हल्का है तो वो ऊपर रहेगा एज सुपरनेटेंट। ठीक है, सेडिमेंटेशन समझ आ गया। अब अगला है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है, डिकेंटेशन होता है उड़ेलना, एक तरह से उड़ेलना कहेंगे हम। अब क्या करते हैं हम, जब सेडिमेंटेशन हो जाती है तो जो ऊपर की टॉप लेयर है लिक्विड की, टॉप लेयर लिक्विड की हम दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं। ठीक है,
इसी को हम कहते हैं डिकेंटेशन। यहां पर लिखा भी हुआ है, इट इज प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टॉप लेयर ऑफ लिक्विड फ्रॉम मिक्सचर विदाउट डिस्टर्बिंग सेडिमेंट पार्टिकल्स, और इट इज पोरिंग ऑफ टॉप लेयर ऑफ लिक्विड टू अदर वेसल विदाउट डिस्टर्बिंग सेडिमेंट पार्टिकल्स। अब जैसे हमारे पास एक ग्लास है, हमारे पास एक टम्बलर है, उसमें हमने रेत और पानी को मिक्स किया, मिक्सचर बनाया, कुछ देर जब सेटल होने के लिए रखा, उसको सेडिमेंटेशन के लिए रखा, तो क्या हुआ, रेत नीचे सेटल हो गई, पानी ऊपर रह गया। अब हम आहिस्ता से उसको उड़ेलेंगे दूसरे ग्लास में, तो उसको हम कहते हैं डिकेंटेशन, सेडिमेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फिल्ट्रेशन, इनकेस थोड़े बहुत सेडिमेंट्स जो हैं डिस्टर्ब होकर थोड़ा बहुत दूसरे ग्लास में आ गया, आपको लगा कि ये फिर से अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो क्या करते हैं, हम फिल्ट्रेशन करते हैं। अब फिल्ट्रेशन में हम इसको पास करते हैं किसी फिल्टर से, हमारे पास बहुत कॉमन फिल्टर होता है फिल्ट्रेशन के लिए, जो लेबोरेटरी में यूज़ होता है, वो होता है ये फिल्टर पेपर, हम इसको इस्तेमाल करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। लेबोरेटरी में अगर हमने मडी वाटर को फिल्टर करना है तो हम इससे करते हैं, जैसे हल्का मड्डी वाटर है, सेडिमेंट्स के बाद भी थोड़ा सा, सेडिमेंट अलग करने के बाद, डिकेंटेशन के बाद भी मड्डी रह रहा है थोड़ा बहुत, तो हम यहाँ वहाँ पर ये करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। हम इसके लिए सिर्फ ये चीज़ इस्तेमाल नहीं होती है, इसके लिए इसके साथ फनल भी इस्तेमाल होती है। अब फनल मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं थी, ये था तो मैं इसको दिखा रहा हूँ। अब करते क्या हैं, इसको सबसे पहले ऐसे फोल्ड किया जाता है, ठीक है, फिर उसको इसको ऐसे फोल्ड किया जाता है, ठीक है, फिर उसको इसकी एक कोन बना दी जाती है इस तरह से, बन गई है कोन जैसी। अब ये कोन जैसी जो बन गई है, इसको हम डालते हैं फनल में, फनल में डालेंगे तो फिर क्या होगा, जब हम इसको फनल में डालेंगे तो इसमें हम वो मिक्सचर डालेंगे, तो इसके ये जो है, ये फिल्टर पेपर जो है, इसमें बहुत फाइन पोर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ से लिक्विड जो है, वाटर जो है, वो नीचे आएगा, नीचे हम बीकर रख लेंगे, उसमें वो कलेक्ट होता रहेगा, तो वो जो नीचे पानी आएगा वो साफ़ होगा। ये हो गया फिल्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। फिल्ट्रेशन जो है हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे पास चाय होती है तो उसकी पत्ती अलग करने के लिए हम उसको छानी से निकालते हैं, तो छानी फिल्टर का काम करती है, वो जो पूनी है, जैसे यहाँ पर मेरे पास है, ये जो है, ये पूनी जो है, स्ट्रेनर, ये फिल्टर का काम कर रही है। उसी तरह से हमारे पास, अगर मैं बात करूं दूसरी, हमारे जो पनीर हम बनाते हैं घर में, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम छानते हैं किसी कपड़े से, निकालते हैं जालीदार कपड़े से, ठीक है, निकालते हैं ना, तो वो भी वहाँ पर जाली का काम कर रही है, वो भी फिल्टर का काम कर रही है। तो फिल्ट्रेशन समझ आ गया। अब है एवोपरेशन की बात, तो हमारे पास अगला मेथड है एवोपरेशन। एवोपरेशन क्या होता है, एवोपरेशन का मतलब होता है कन्वर्शन ऑफ लिक्विड और वाटर इनटू इट्स वेपर्स, यानी किसी लिक्विड का या वाटर का उसके वेपर्स में तब्दील हो जाना, इसको हम कहते हैं एवोपरेशन। अब ये मेथड कहाँ इस्तेमाल होता है, ये मेथड इस्तेमाल होता है सॉल्यूशंस में, जैसे हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है, जैसे हमारे पास साल्ट सॉल्यूशन है, वहाँ पर ये मेथड इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहाँ पर वेपर्स जो हैं वो उड़कर हवा में चले जाएंगे, पीछे रेसिड्यू जो है वो सॉलिड रह जाता है। अब इसका इस्तेमाल हम करते हैं साल्ट ऑब्टेन करने के लिए, हमारे पास जो सी वाटर है उससे हम साल्ट ऑब्टेन करते हैं। इस प्रोसेस से कैसे किया जाता है, हम लोग समुंदर के किनारे किनारे शैलो पिट्स बना लेते हैं, यानी कि खड्डे बना देते हैं, थोड़े बहुत गहरे खड्डे बना देते हैं, जब वेव आती है तो पानी उसमें भर जाता है, उन खड्डों में पानी भर जाता है, और बाद में ऑपरेशन से पानी उड़ जाता है, यानी वेपर्स की शक्ल में वाटर वेपर्स उड़ जाते हैं, पीछे साल्ट रह जाता है, उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑपरेशन के बारे में। अब बारी आ जाती है अगले टॉपिक की, जो कि है यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब कुछ मिक्सचर्स ऐसे भी होते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहां पर हम एक मेथड से सेपरेशन नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल साल्ट एंड सैंड सॉल्यूशन या शुगर एंड सैंड सॉल्यूशन। अब इसको हम कैसे अलग करेंगे, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस मिक्सचर को पानी में मिक्स करेंगे, ठीक है। जब पानी में मिक्स किया, हम एक बीकर लेंगे, उसमें ये मिक्सचर हम रख लेंगे, तो क्या करेंगे, पानी उसमें डालेंगे तो मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद क्या हो जाएगा, जो शुगर या साल्ट जो भी हमने लिया है वो पानी में घुल जाएगा। जब पानी में घुल जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास अब सैंड है और शुगर सॉल्यूशन है, दोनों का मिक्सचर है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हम सैंड को अलग करेंगे। सैंड को अलग करने के लिए हमारे पास ये तीन तरीके हैं, मतलब तीन इसमें मेथड इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले सेडिमेंटेशन होगी, फिर डिकेंटेशन होगी, और फिर फिल्ट्रेशन होगी।
मैंने पहले आपको बताया था कि मैंने तीनों को एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि इनको एक साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम उस सॉल्यूशन को सेटल होने के लिए रखेंगे, तो क्या होगा, सैंड नीचे सेटल हो जाएगी, उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। फिर हम डिकेंटेशन करेंगे, ऊपर जो पानी की लेयर है उसको हम डिकेंट करके दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, ठीक है। अगर फिर भी वो मड्डी लग रहा है, थोड़ा सा साफ नहीं लग रहा है सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, हम उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद वो क्लियर सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा, जो कि शुगर या साल्ट जो भी हमने लिया है उसका सॉल्यूशन है। सैंड अलग हो गई, अब हमारे पास है शुगर सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन। अब अगर हमने सिर्फ हमारे पास सॉलिड रेसिड्यू यानी हमें शुगर या साल्ट चाहिए, पानी का जो कंपोनेंट है उसकी ज़रूरत हमें नहीं है, हम नहीं चाहते कि पानी रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि पानी की ज़रूरत नहीं है, पानी को हमने अलग नहीं करना है, हमने साल्ट या शुगर जो हमें चाहिए हमें उसकी ज़रूरत है, तो हम किसी भी ओपन पैन में या ओपन बर्तन में इस सॉल्यूशन को बॉयल करेंगे। बॉयल करने से क्या होगा, जो वेपर कंपोनेंट है यानी कि जो पानी है वो वेपर की शक्ल में, वाटर वेपर्स की शक्ल में ऊपर उठ जाएगा, पीछे रहेगा हमारे पास शुगर या साल्ट जो भी सॉल्यूशन हमने लिया था। लेकिन अगर हमने वाटर को भी रखना है, वाटर जो कंपोनेंट है वो भी हम नहीं चाहते हैं कि एटमॉस्फेयर में उड़ के जाए, हम चाहते हैं कि वो भी हम अलग से रखें, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंडेंसेशन का प्रोसेस। अब कंडेंसेशन क्या होता है, हम वाटर वेपर्स जो बॉइलिंग से निकलेंगे तो हम उसको कलेक्ट करेंगे, उसको ठंडा करेंगे, कंडेंस करेंगे। कैसे करेंगे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन को केतली में बॉइल करेंगे, हम ओपन पैन में नहीं करेंगे क्योंकि वाटर वेपर्स उड़ जाएंगे। जब केतली में बॉइल करेंगे तो केतली का ढक्कन बंद करेंगे और उसके जो ओपनिंग है जिसको हम स्पाउट कहते हैं वहां से स्टीम बाहर आएगी, वहां से वाटर वेपर्स अब बाहर आएंगे। जब वाटर वेपर्स बाहर आएंगे तो हमने क्या करना है, उसके ओपनिंग पे जहां वो स्पाउट है वहां पर हमने बाहर उसके सामने एक प्लेट रखनी है जिसके ऊपर हमने आइस रखनी है। सपोज करो ऐसे हमने एक प्लेट रख लेनी है, उसके ऊपर हमने आइस रखनी है, तो क्या होगा, जब हम प्लेट के ऊपर आइस रखेंगे तो जो स्टीम अंदर से आ रही है, जो वाटर वेपर्स अंदर से आ रहे हैं, वो उस ठंडी प्लेट से टकराकर पानी में तब्दील हो जाएंगे और वो नीचे हम दूसरे बर्तन में कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस मिक्सचर को बराबर तीन कंपोनेंट्स में अलग अलग से सेपरेट कर सकते हैं। अब अगला हमारे पास है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। अब इसमें हमने पढ़ना है कि एक गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड में कितना सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है। सपोज करो हमारे पास 100 ml वाटर है एक बीकर में या एक टम्बलर में, उसमें हम शुगर ऐड करते जाते हैं, तो क्या होगा, पहले तो शुगर उसमें डिसॉल्व होती रहेगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अब और शुगर उसमें डिसॉल्व नहीं होगी। उस टाइम हम उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, उस टाइम यानी उस स्टेज पे जब सॉल्यूशन पहुंच जाता है, जब और सॉल्यूट उसमें ऐड नहीं किया जा सकता है उस गिवन टेम्परेचर पे, तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डेफिनेशन की बात करें, यहां पर लिखी भी हुई है, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन गिवन सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि जब सॉल्यूशन में हम और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते एट गिवन टेम्परेचर, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब दूसरा जो है वो होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ये सॉल्यूशन जो है तब तक अनसैचुरेटेड कहलाता है जब तक उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, मतलब जब तक किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है तब तक उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें, अ सॉल्यूशन इन विच मोर ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं, जब उसको बॉयल करने की कोशिश करते हैं, हीट देते हैं, तो क्या होता है, हम देखेंगे कि वो जो नीचे सेटल हुई थी शुगर वो डिसॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमको ये पता चला कि जब हम हीट अप करते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उससे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ये चीज़ हमने पहले भी बात की थी इसके बारे में, लेमोनेड के बारे में बात की थी हमने लास्ट चैप्टर में, हमने वहाँ बोला था कि हमको पहले शुगर डिसॉल्व करनी चाहिए, उसके बाद हमको आइस डालनी चाहिए। जब हमने शरबत बनाना है, जब हमने नींबू पानी बनाना है, तो हमने पहले शुगर डिसॉल्व करनी चाहिए, उसके बाद हमें आइस डालनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आइस पहले डालेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, तो उससे डिसॉल्व नहीं होगी शुगर। ये चीज़ हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो लास्ट चैप्टर में इस बारे में बात हुई थी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो
सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर घटता है तो सॉल्युबिलिटी घटती है। तो मेरे ख्याल से अब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं चैप्टर के बारे में। अब हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। और साथ ही साथ अगर आपको इसकी बुक्स खरीदनी है जिससे मैंने ये मटेरियल कंपाइल किया है, तो उसके बाइंग लिंक जो है मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। मैंने एनसीईआरटी बुक कंसल्ट की है, एस चंद कंसल्ट की है, आर्यन पब्लिकेशन कंसल्ट की है, उसके बाद और भी एक दो बुक्स हैं जो मैंने कंसल्ट की हैं, लेकिन मैंने ये तीन बुक्स जो हैं ये अपनी लिस्ट में डाली हुई हैं, बाइंग लिंक इसके डाले हुए हैं, क्योंकि ये मुझे अच्छी लगी और ये आपको भी लेनी चाहिए, तो आप ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए अलविदा, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। फिलहाल अभी के लिए बाय बाय।